Xtra Time. Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Xtra Time. How does Rashid Khan prepare to bowl against a KL Rahul or the number one batsman on the opposition? How do you prepare for that? Actually, ek baat hai ki main hamesha us cheez pe bahut zyada believe rakhta hu ki mera apne jo skills hai, humne apne skills jo hai na, maine usko bhulna nahi hai ki mera strength kya hai aur mera weakness kya hai, main kahan se runs kaha sakta hu, कहाँ पे डालू तो मैं नहीं खा सकता. एक बात जो है मैंने हमेशा माइंड में नहीं लाई है, वो बैट्समैन है. मैंने कभी भी बैट्समैन को माइंड में नहीं लाया, क्योंकि आप जब बैट्समैन को ज्यादा माइंड में लाते हो तो जो है ना हाफ आपका जो अटेंशन होता है वो जाता है बैट्समैन की तरफ और फिर हाफ अपने बॉलिंग पे. तो फिर मेरे हिसाब से उस कंडीशन में खुद को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा. एक ही चीज मैं हमेशा माइंड में रखता हूँ कि मेरा लाइन और लेंथ है, वो मेरा स्ट्रेंथ है, वो मेरा सब कुछ है अगेंस्ट एनी बैट्समैन अराउंड द वर्ल्ड, जो भी बैटिंग कर रहा है. जब तक मैं अपना एरिया नहीं छोड़ूंगा, जब तक उस जगह पे मैं कंसिस्टेंटली बॉलिंग करूंगा, तो वो मेरी कामयाबी है. अगर उस जगह पे वो मुझ पर रिस्क ले रहा है, बड़े शॉट मार रहा है, तो ज्यादा चांसेस है कि मैं उसको आउट कर लूँ. अगर मैं ऊपर कर लूँ और कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूं कि यार अभी मैं नई टीम में आया हूँ, नया बैट्समैन है, मैं उसको जरूर आउट करूंगा लाइक बिफोर, नहीं नहीं वो टाइम के साथ ही होगा. अगर आप थोड़ा पेशेंट रखोगे, 24 बॉल इज टू मेनी फॉर एनी बैट्समैन, यू नो. आप बैट्समैन को थोड़ा सेट करते हो कि यार अभी मैं उसको कौन सी बॉलिंग डालू, पिछले गेम में मैंने इसको क्या माइंड से बॉलिंग डाली थी, इस मैच में मैं कौन से माइंड से डालू, तो मैं उस चीज पे ज्यादा फोकस रखता हूँ. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरा है वो लाइन और लेंथ है, मैं उस पे ज्यादा फोकस करता हूँ. This is extra time. Extra time.